आगे आगे बैठी आदमी है ना, अभी के लिए तो आजाद है, तो आप प्रेस अभी तो आजाद है, आप उनको कैसे पकड़ सकते हैं? जेल के दूर के अंदर खड़ा हूँ। मीडिया के लोग आ गए हैं, मीडिया के लोग आए आगे, मैं जेल के दूर से बाहर नहीं जाऊंगा। प्लीज रिकॉर्ड माई स्टेटमेंट, बोलो फ्रॉम द मीडिया। But if they were not, then you record it. I'm doing it. They can stand here. No one can stop them from coming here. आए आए इधर आए। आपने मुझे यहाँ हाथ लगाया, मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट के तीन जजेस ने मुझे यहाँ किया। मैं आपके नाम जमाल साहब, आपके तारिक साहब, आपका अदर साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट में आपको लेके जाऊंगा। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा अगर आपने गैर कानूनी हरकत की। मैं कानून के दायरे के अंदर खड़ा हूं। बात यह है, आप मीडिया के दोस्त हैं, अब सुनिए भैया, जेल के अंदर मुझे गिरफ्तार करेंगे, मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हुए दोबारा। मैं अर्ज करना चाह रहा हूं और ये मैं स्टेटमेंट देना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिनन्ना साहब ने साइफर केस में पूरे दलाइल सुनकर मेरी जमानत का ऑर्डर किया। मेरी जमानत का ऑर्डर आया अडयाला जेल। जज साहब ने रोप कार पर दस्तखत किए। रोप कार पे दस्तखत के बाद मुझे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अभी मैं सामान बंद करके निकल रहा था सुप्रीम, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस का, तीन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस का ऑर्डर है, ये इन्होंने मुझे कल, जज ने रोप कार पे साइन किया मेरी रिहाई का, 2:35 पे उसी वक्त इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के, तीन एनपीओ के तहत इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर इश्यू कर दिए और फिर मुझे इन्होंने गिरफ्तार करके नजर बंद कर दिया। मैंने कबूल कर लिया और मैंने अपने सेल में वापस चला गया। आज मुझे नहीं सर, आप भी आई एम सॉरी। ये तरीका है इन पुलिस वालों का, हमारे लीडरों के साथ ऐसे बिहेव करते हैं। Quickly send this video to someone.